नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.4 इसका प्रश्न 3 है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमें सबसे पहली जो चीज देखनी है वो ये देखने की क्या यह संख्याएं परिमेय होंगी या नहीं होंगी, और यदि होंगी p बटा q रूप में होंगी तो इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कह सकते हैं। ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। इसे समझने के लिए आप एक छोटा सा चार्ट, बच्चों ध्यान से समझना। हमने सबसे पहले जो दशमलव प्रसार किए थे उसमें हमने ये देखा था कि जो 7 दशमलव हैं जिनका अंत हो जाए, ऐसे दशमलव प्रसार जिसका अंत हो जाता है, और दूसरा असात आवर्ती जिसका अंत नहीं होता लेकिन एक पैटर्न रिपीट होता रहता है। देखो 7 दशमलव होगा जैसे 1.76, इसके बाद आगे दशमलव नहीं चल रहा तो यह है 7, इसका अंत हो चुका है। असात आवर्ती होता है जैसे 1.33333 डैश डैश डैश। अब देखो इस डैश 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 का मतलब इसका अंत नहीं हो रहा और एक ही चीज रिपीट हो रही है 3333333, या 1.46446446 डैश डैश डैश, इसका भी अंत नहीं हो रहा और 4646446446 रिपीट होता जा रहा है। असात यानी अंत नहीं हुआ, आवर्ती यानी कोई चीज रिपीट हो रही है। कभी भी कोई दशमलव प्रसार इस प्रकार का होगा जिसका अंत हो गया, या इस प्रकार का होगा जिसका अंत नहीं हुआ लेकिन एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, सात दशमलव या असात आवर्ती। ऐसी संख्याओं, ऐसे जो दशमलव प्रसार होंगे वो होते हैं परिमेय संख्याओं के। एक और है हमारे पास जिसको हम कहते हैं असात अनावर्ती, जैसे 1.02010001031 डैश डैश डैश, इसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा लेकिन इसका अंत भी नहीं हो रहा, तो असात अनावर्ती। कभी दशमलव प्रसार ऐसा होगा तो वो होगी अपरिमेय संख्या। इसी के साथ हमें यह भी देखना है, हमने पिछले प्रश्नों में सीखा यदि कोई 7 दशमलव होगा तो उसकी जो हर है वो होती है 2^m^5^n के रूप की। ठीक है, आइए अब हम अपना प्रश्न देखते हैं। यहां पर हमारे पास एक दशमलव है लेकिन आप देखेंगे यहां 9 पर आकर इसका अंत हो गया, यहां डैश 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 नहीं लगा, इसका अंत हो गया। इसका मतलब सबसे पहले यह दशमलव प्रसार कौन सा है, 7 दशमलव है। और हमने देखा था कि जो 7 दशमलव है वो एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं, तो हम लिखेंगे यह संख्या परिमेय है। इसके बाद दूसरा भाग, यदि यह परिमेय है तो परिमेय संख्या होती है p बटा q रूप की, तो हमें देखना है कि यह जो q है, हर है, यह किस रूप की होगी। अगर यह 7 दशमलव है, दोबारा मैं इसी चार्ट पे आ रहा हूं, 7 दशमलव है तो इसकी जो हर होगी वो 2^m/5^n के रूप की होगी। तो हम लिखेंगे इसकी हर 2^m/5^n के रूप की होगी। ठीक है, जहां m और n पूर्णांक है, m और n कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, प्लस वाला, जीरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यह 0.1201 2001 2001 2001, कहीं एक जीरो है, कहीं दो जीरो है, कहीं तीन जीरो है, कहीं चार जीरो है, कोई पैटर्न नहीं है और इसका अंत भी नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है असात अनावर्ती। ना यह अंत हो रहा है ना ही कुछ रिपीट हो रहा है, असात अनावर्ती। और हमें पता है कि जो असात अनावर्ती होते हैं तो वह संख्या अपरिमेय होती है, वह संख्या
अपरिमेय होती है। ये हमने चार्ट में भी लिखा था बच्चों कि असांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद आ गया तीसरा भाग 43.12345678 9 बार के नीचे। अब बार का मतलब क्या है कि ये जो पैटर्न है ये बार 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 रिपीट होगा, इसका अंत नहीं होगा। इसका मतलब यह है अशांत है और आवर्ती है, आवर्ती मतलब रिपीट हो रही है चीज, ठीक है। अशांत यानी अंत नहीं हो रहा लेकिन आवर्ती है, रिपीट हो रही है। तो जो अशांत आवर्ती था, चार्ट में आ जाओ, अशांत आवर्ती भी कैसी संख्या थी, परिमेय संख्या थी। तो यह परिमेय संख्या है इसकी हर, लेकिन क्योंकि यह सात नहीं है इसलिए इसकी हर 5^m × 2^n के रूप की नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 था। थैंक यू।